मेरे को सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था और मेरे को गाइडेंस अच्छी थी, मेरा कज़िन मुझे गाइड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं वो उसको ओवरकम कर पाई और इस बार मेरी अच्छी रैंक आई। मेहनत तो ऑब्वियसली इसमें, ये एक लंबी जर्नी होती है, तो मेहनत तो ऑब्वियसली उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, हार्डवर्क तो ऑब्वियसली करना है। एक्चुअली ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी और जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी थी मैं उसमें भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी और मेरा फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 4 मार्क्स से रह गया था। बेसिकली मैं भदरवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग बेसिकली वहीं से हुई है। 10th तक मैंने ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवाह से स्कूलिंग की। फिर मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप इस प्रिपरेशन में आइए, जितना इसको डराया गया है ना कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे तो अपना आप मीडियोकर टाइप लगता था, मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, तो अगर मैं कर पाई तो हर कोई कर पाएगा। हाल ही में केएस का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ है और जम्मू कश्मीर के बहुत सारे बच्चों ने उस लिस्ट में जो है वो अपना नाम जो है वो हासिल किया है और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इन चीज़ों में, केएस को हासिल करने में। और कहीं ना कहीं जम्मू की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त मैं जम्मू में मौजूद हूँ बठिंडी के इलाके में, हमारे साथ इंशा खालिद जी हैं जिन्होंने 27 रैंक जो है वो इसमें हासिल किया है। आखिर क्या रास्ता, कितनी मेहनत थी, उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जेके अपडेट में आपका स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले, कैसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ से हुई, पहले मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं केस के बारे में आपकी बात करूँगा। ओके। बेसिकली मैं भदरवाह डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करती हूँ, मेरी स्कूलिंग बेसिकली वहीं से हुई है। 10th तक मैंने ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवाह से स्कूलिंग की, फिर 11th 12th मेरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भदरवाह से ही हुई। उसके बाद मेरी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुई, योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। तो कितना क्या मुश्किल था इन चीज़ को हासिल करना, क्या आज पहली बारी कामयाबी मिली है या आपने कई सारी समय इसमें लगे आपको? एक्चुअली ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी और जो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरी थी मैं उसमें भी इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी और मेरा फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 4 मार्क्स से रह गया था, तो ये अब सेकंड मेरी अटेम्प्ट थी और इसमें मेरा 27th रैंक आया है। कितनी मेहनत है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसका है और सपोर्ट किसकी रही? मेहनत तो ऑब्वियसली इसमें, ये एक लंबी जर्नी होती है, तो मेहनत तो ऑब्वियसली उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, हार्डवर्क तो ऑब्वियसली करना है। और ये मुझे लगता है कि अगर हम कोई एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो ये सिर्फ हमारा हार्डवर्क नहीं होता है, इसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी कि उनने मुझे रैंक दिलाई, इतनी इज्जत दिलाई। उसके बाद मेरी फैमिली, जो मेरा बहुत सपोर्ट सिस्टम था, उनने मेरी हर पॉइंट पर बहुत हेल्प की, एज इन फाइनेंशली, मेंटली, और उसके बाद तो बाकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा, तो उन सब ने बहुत हेल्प की है और मुझे लगता है ये सब फैक्टर्स मिलके एक हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपका जो फर्स्ट टाइम इवेंट था, जो अटेम्प्ट जब आपका 4 मार्क्स से रह गया, तो तब कैसा फील हो रहा था आपको? ऑब्वियसली जब इंसान इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचता है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है कि हम लिस्ट में आ जाएंगे, ये पता नहीं होता है कि कौन सी रैंक आएगी या कुछ, बट ऑब्वियसली हर कोई एक्सपेक्ट करता है, तो मुझे भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो जो 4 मार्क्स होते हैं ना कि बस इतने मार्जिन से रह गए, वो कहीं ना कहीं बहुत हर्टफुल होता है। बट मेरे को सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा था और मेरे को गाइडेंस अच्छी थी, मेरा कज़िन मुझे गाइड कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मैं वो उसको ओवरकम कर पाई और इस बार मेरी अच्छी रैंक आई। इसकी तैयारी कब से शुरू की थी आपने? मेरा 2018 में बीटेक कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद 2019 से मैं इस प्रिपरेशन में आ गई थी। 2019 में ही मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था, लेकिन अब हमारे यहाँ केएस के एग्ज़ाम बहुत लेट होते हैं, तो अगर मैंने 19 से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो है 2021 में हुआ था प्रीलिम्स उसका, तो मेरी स्टार्ट 2019 से ही हुई थी और आज 2023 में फाइनली रिजल्ट आया। सबसे ज़्यादा किसका योगदान रहा खासकर आपकी इस मेहनत में? सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का और मेरे कज़िन का, जिनने मुझे गाइड किया। एक्चुअली मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, ये मेरी सेल्फ स्टडी थी, बट उनकी गाइडेंस की वजह से मैं वो फोकस्ड रही और मुझे पता लगा कि क्या क्या करना है और बेसिकली क्या नहीं करना है। इस जर्नी में इतनी आपको गाइडेंस मिल जाएगी ऑनलाइन, एज इन यूट्यूब पे अबंडेंस ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको आपने स्ट्रीमलाइन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मेरे कज़िन ने
मुझे हेल्प की। और मेरे मम्मा पापा वो तो हर टाइम, जैसे जब भी कोई फेलियर आया या डिमोटिवेटेड फील हुआ तो उनने तो हमेशा सपोर्ट किया। फिर फ्रेंड्स भी थे, कज़िन, सब ने सपोर्ट करके तो आज। क्या जब आपने इसकी तैयारी की, क्या कोई इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई ज्वाइन किया था जहाँ आपने घर पे ही मेहनत की है? नहीं नहीं, ये मेरा सेल्फ स्टडी से था, लेकिन हाँ मैंने टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन की थी। मेरे को ये था कि अगर मैं पढ़ रही हूँ वो मैंने देखना है कि मैं ठीक पढ़ रही हूँ या नहीं, और वो हमें बेसिकली टेस्ट से पता चलता है। तो मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती थी, मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती थी, और इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक बहुत सारे दिए थे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। तो मैंने पढ़ाई नहीं की है वहाँ से, बट मैंने टेस्ट ज़रूर दिए हैं। तो मेरी मेनली ये सेल्फ स्टडी थी। भद्रपा के रहने वाले हो, आपने कहा कि हम भद्रपा से हैं, भद्रपा से जम्मू आने का सफ़र कैसा था और उसके बाद किस तरह की नॉलेज वो आपने जम्मू में गेन की? बेसिकली मेरी तो बेसिक स्कूलिंग, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि 12th तक मेरी स्कूलिंग भद्रवाह से ही हुई है। एक्चुअली भद्रवाह को सेकंड केरला भी बोला जाता है नॉलेज के हिसाब से, और वहाँ पे काफ़ी एजुकेटेड लोग होते हैं। तो उसके बाद जब मैं बीटेक करने लगी तो पापा की ट्रांसफ़र, मेरे पापा टीचर हैं प्रोफेशन से, तो उनकी ट्रांसफ़र जम्मू हो गई, तो फिर हम सारे जम्मू शिफ्ट हो गए। तो 2014 से मैं परमानेंटली जम्मू में ही शिफ्ट हो गई हूँ। तो फिर जो बाकी स्टडीज़ हैं तो वो मेरी यहीं से हो गई। फिर हम जाती हूँ भद्रवाह, लेकिन बहुत कम, बीच में ओकेजन्स पे, ईद पे, ऐसे नहीं, ज़्यादा नहीं। तो अब क्या मैसेज देना चाहोगे? 27 रैंक आपने हासिल किया है इस केस में, और वो भी सेकंड अटेम्प्ट में आपने ये चीज़ क्लियर कर ली है, तो बहुत सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, तो क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप इस प्रिपरेशन में आइए। जितना इसको डराया गया है ना कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे तो अपना आप मीडियोकर टाइप लगता था, मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, हमेशा एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। तो अगर मैं कर पाई तो हर कोई कर पाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको डेडिकेटेड स्टडी, ये ऐसी नहीं है कि आप सिर्फ एक साल पढ़ोगे, आपको दो साल भी लग सकते हैं, आपको तीन साल भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये है कि डेडिकेशन, परसिवरेंस, ये सेल्फ डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए। बाकी इतना कोई इशू नहीं है, इतनी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि मैं बोलूँगी बस टॉपर्स ही कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन रखें और ज़रूर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी थे इंशा खालिफ जी हमारे साथ, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि डर जो है वो उसे अपने दिमाग से, मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी अगर आपने करनी है तो कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है अगर आप वो करना चाहे तो। इंशा खालिद के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी कितनी, उनकी बेटी ने जो 27 रैंक हासिल किया है उनका कितना योगदान रहा अपनी इस बच्ची की स्टडी को लेकर। सर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी बच्ची ने 27 रैंक हासिल किया है, केएस की लिस्ट में उनका नाम आया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितनी मेहनत आपके बच्चे ने की है और आपका योगदान जो है वो उस टाइम कैसा था अपने बच्चों के साथ, मतलब कि पूरी स्टडी से लेके अब तक के रो तक। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, आप यहाँ काउंटिंग कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो आपने क्वेश्चन किया बेटी के बारे में, एक्चुअली ये ऐसा एग्ज़ाम होता है कि ये डिपेंड करता है बच्चे की इंटरेस्ट पे। बच्चा जब इंटरेस्ट लेता है तो माँ बाप के जो है कहीं ना कहीं भरोसा बन जाता है बच्चे पे। लिहाजा जब मेरी बच्ची ने ये प्रिपरेशन शुरू की तो हमारी पूरी तरह से सपोर्ट रही, जिस जैसे इसने कहा मैंने जो जो इसको प्रोवाइड करना था हमने वो कर दिया, और ये करती रही प्रिपरेशन और हम हर वक्त इसको एनकरेज करते रहे। तो जहाँ तक इसकी जर्नी थी एजुकेशन की, पहले से ये पढ़ने में अच्छी थी, लिहाजा फ्रॉम द बिगिनिंग हमारा इस पर काफ़ी फेथ था। तो उस फेथ को आगे बढ़ाते हुए हमने पूरा भरोसा किया और अल्लाह ने आज ये दिन दिखाया और ये आज इस स्टेज पे पहुंच गई और ये कामयाबी इसने हासिल की। कितनी खुशी है, और रिश्तेदारों के बीच में भी जब पता चला होगा तो कितनी खुशी है, और क्या आपके लिए क्या संदेश रहेगा एक ऐसे पिता के नाते? ऑब्वियसली जब हमने ये दिन जो आया, ये खुदा करे हर एक पेरेंट्स को ये नसीब हो ये दिन, इस दिन का मुझे भी इंतज़ार था, और जब ये इसने ये कामयाबी हासिल की तो हमें बहुत खुशी हुई, सिर्फ मुझे ही नहीं हमारे सभी रिश्तेदारों को। और हम यहाँ से 200 किलोमीटर दूर थे, और आप ये देखो कि हमारे सारे रिश्तेदार जो है विद इन 10 आवर्स सारे यहाँ पे पहुँच गए इस गर्मी में। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस खुशी का हिस्सा बने।
तो उसके बाद जो है मेरा यही मैसेज रहेगा उन बच्चों के लिए जो इस प्रिपरेशन में है कि वो डेडिकेशन से काम लें, पेशेंस से काम लें, तो कामयाबी ज़रूर उनके कदम चूमती है जिनकी डिटर्मिनेशन जो है वो पुख्ता हो। तो उसके साथ हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हम सपना जो है बाकी माँ बाप की तरह हमने भी देखा था और हम उसमें कामयाब हो गए और हमें हमारी बेटी ने हमें वो दिन आज दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय चा खालिद जी के पिताजी थे जिन्होंने कहा, खुद ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, टीचर हैं, किसी स्कूल में जो भी स्टडी करवाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और आज इनकी बेटी की जो खुशी है वो उनके चेहरे पे साफ तौर से दिख रही है। और सबसे अच्छा एक मैसेज था इन्होंने जो कहा कि हमारी बेटी पढ़ने में तो ठीक थी, तेज़ थी, लेकिन जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी हमने कभी किसी चीज़ के लिए अपनी बेटी को मना नहीं किया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आज रंग जो है वो सामने लाई है। उनकी माता जी भी हमारे साथ हैं, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स, आपकी बेटी ने लिस्ट में अपना रैंक हासिल किया 27। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक माँ जो होती है, माँ का एक बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि उसने बच्चों को भी देखना होता है, घर का काम भी देखना होता है, और आप एक हाउस वाइफ हैं, तो आपने कैसे ये सारा मैनेज किया और आपकी बेटी के साथ किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, कैसे आपका सपोर्ट रहा आपकी बेटी के साथ? अल्लाह ताला का शुक्र है, हम शुक्र अदा करते हैं कि हमें ये दिन देखने को, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो लड़की है ये बहुत अकलमंद है, ये मेरे साथ भी हाथ बटाती थी, मैं किचन में जाती थी ये मेरे पीछे पीछे आती थी, अपनी पढ़ाई भी करनी और मेरे साथ भी काम करना, ये नहीं कि पढ़ाई सिर्फ, इसने दोनों काम हाथ में, हमें कोई घर में नौकर चाकर नहीं, हम खुद अपना सारा काम करते, मगर मेरी हेल्प मेरी बेटी करती थी, इसके बावजूद इसने 27 बार मैं बहुत खुश हूँ। कुछ ऐसे फैमिली में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके रिलेशन माँ बाप, जैसे मम्मी पापा या बच्चों के रिलेशन होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बात करने पे आए तो कुछ कहीं ना कहीं वो घबरा जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या? नहीं नहीं, हम बिल्कुल फ्रेंक हैं, हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंड जैसे हैं, बाप भी और मैं भी, हम दोनों, हमने कभी ये नहीं किया कि हमारी बच्ची अभी हमसे घबराएगी बात करने से, नहीं ऐसा नहीं रहा। अब वो ऑफिसर बन जाएंगे कि ऐसा हो गया है ना। हाँ, शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र है अल्लाह ताला का, ऐसे दिन हर किसी माँ बाप को दिखाया अल्लाह ताला, हम बहुत खुश हैं। जी इंशा खालिद जी के माता पिता जी से भी हमने बात की और उन्होंने कहा कि हमने अपनी बच्ची को बहुत सपोर्ट किया है, हमारी बच्ची पढ़ने में पहले से ही ज़्यादा होशियार थी, पढ़ने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटती थी, और माताजी ने भी उनके कहा कि घर के काम के लिए भी वो मेरी पूरी सपोर्ट करती थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखी, और आज वही चीज़ें जो है वो उनकी जो मेहनत है वो आज कहीं ना कहीं सामने आई है, उनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। आप देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज़ नरेंद्र शर्मा के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।